मैं डॉक्टर फतेह सिंह हूँ एंड एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट इन अटलांटा हॉस्पिटल वसुंधरा गाजियाबाद। मैं लोकमत के कैंपेन आपकी सेहत आपके हाथ का सपोर्ट करता हूँ। एंड आज जिस तरह से लाइफस्टाइल हमारी चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं, उनमें से मुख्यतः एक डायबिटीज़ है जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफाइबल डिसीज़ कहलाती है। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत होती जा रही है, हमारा खान पान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम लोगों के पास ना सोने के लिए टाइम है, ना घूमने के लिए टाइम है, स्ट्रेस इतनी बढ़ती जा रही है, तो प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ मुख्यतः दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो बचपन से होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो वयस्क अवस्था से शुरू होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन में जो होती है उसके अंदर इंसुलिन की पूर्णतः कमी होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो वयस्क अवस्था से शुरू होती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से मुख्यतः लाइफस्टाइल की खराबी है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं, पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है, पेशेंट्स बार बार खाना खाता है, कभी कभी पेशेंट्स को फीवर भी रहता है एंड पेशेंट्स को थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। पेशेंट्स को कई बार पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आता है, पेशेंट्स को कई बार कफिंग खांसी बहुत लंबे टाइम से आ सकता है इन्फेक्शन के साथ में बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। और कई बार डायबिटीज़ जो होती है वो इन्फेक्शन के साथ ही पकड़ी जाती है। अब आता है डायबिटीज़ से बचने के उपाय, प्रिवेंसिव, व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेथड्स जिससे कि हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हम रेगुलर 25 से 30 मिनट वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, खान पान में ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, मीठी चीज़ें से अवॉइड करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि हमारा मोटापा बढ़े, फिजिकली एक्टिव रहें, प्रॉपरली स्लीप रहें, नींद प्रॉपर लें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, व्यायाम करते रहें और कोशिश ये करें कि मोर देन 40 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो हर 6 महीने में या साल भर में अपनी शुगर जरूर चेक कराते रहें, जिससे कि अगर शुगर उनकी बड़ी भी आती है, डायबिटीज़ आती है, तो अर्ली स्टेज में पकड़ी जा सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके।